Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sir. Hope so you are fine, good and safe at your home. Unit number 13, electrostatics, topic 13.5, that is electric field and its intensity. So, topic ki taraf jaane se pehle hum uske basics pe thodi baat kar dete hain, that what the electric force is, electric force kaise generate hoti hai and all this, theek hai? तो बच्चों हमने जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए आपके जहन में ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास उसके कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चों? हमारे पास अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारे पास न्यूटन के सर पे आके सेब गिरा, क्यों? वो ऊपर क्यों नहीं गया? न्यूटन के सर पे आके क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही थी और फिर उसने कहा ये नीचे की तरफ आया तो ये क्यों आया, उसने ये क्वेश्चन अराइज किया। एंड देन ही गेव हिज आंसर कि हाँ जी, ये नीचे आया क्योंकि अर्थ के पास एक फील्ड है, एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से जो फील्ड बन रही है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब फील्ड का क्या मतलब हुआ बच्चू? कि हमारे पास अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक सर्टन लिमिट है जहाँ तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर सकते हैं। उससे बाहर जब चीजें चली जाती हैं तो फिर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट अपॉन नहीं करती, फिर वो चीजें आजाद हो जाती हैं, वो इधर जाएं उधर जाएं, जो मर्जी करें, अर्थ उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जिस एरिया के अंदर अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी तरह हमारे पास जो करंट चार्ज होता है, चार्ज की भी एक फील्ड होती है। एक सर्टन एरिया के अंदर अंदर चार्ज अपने किसी और चार्ज पे अफेक्ट कर सकता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है? अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का टू टाइप ऑफ चार्जेस। बात आ गई कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो किस चीज से एक्ट अपॉन करती है? वहाँ पे दो तरह के चार्जेस आ जाते हैं जो हमने स्टार्ट में भी पढ़े, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब वो कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए बच्चों, चार्जेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और हम इसे मेजर किस में करते हैं? कूलम्स में, ठीक है बच्चों? अब हमारे पास एक ये वूलन हीटर है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और हमने बैलून लिया है, इट्स नेगेटिवली चार्ज। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट पॉजिटिव चार्ज, जब हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइकवाइज दिस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है? अब वो क्या कहता है कि हमारे पास एक लॉ होता है, व्हाट्स दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी में क्या कुछ आता है? देखिए, चार्ज मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, और एनर्जी के लिए हम कहते हैं, आपने 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था फिजिक्स की डेफिनेशन में कि हमारे पास एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो हमारे पास ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना हम क्रिएट कर सकते हैं। द सेम इज द हियर, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी चीज जिसे हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा देते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा लॉ लग रहा है, अवेल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक बच्चों? अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमने पहले बता दिया कि हमारे पास कोई वो स्पेसिफिक एरिया जिसमें एक चार्ज की एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ जी, इस एरिया में चार्ज का इन्फ्लुएंस है। कैसे बच्चों? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल कैसे देती हूँ कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, कहा था ना, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कभी कंपास नीडल देखी है? कंपास नीडल वो जिसमें आप डायरेक्शंस बताते हो, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ एंड ईस्ट,
तो वो जब आप लेके आते हो उसमें क्या होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें नीचे छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। तो जब आप उसे किसी करंट कैरिंग वायर के करीब लेके आते हो ना, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसका वो जो ऊपर कंपास की नीडल होती है ना, वो डिफ्लेक्ट होती है, इधर उधर उल्टा सीधा घूमना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वहाँ जो उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है, वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रही होती है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए तरीका होता है कि पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों, या फिर हम इसे टेस्ट चार्ज यहाँ पे कहते हैं। टेस्ट चार्ज इज मच वैलिड कि हम टेस्ट चार्ज के, हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं फील्ड में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये हमने एक ले ली चार्ज क्यू, ठीक है, ये हम इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। हम लेके आते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है दैट इज पॉजिटिव। जब हम उसे लेके आएंगे और फील्ड एंड टेस्ट चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, तो क्या होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऑन द अदर हैंड हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जो कि है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है बच्चों। एंड मोर मैं आपको बता दूँ इस पे कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिया हुआ है। आपकी बुक में हमने ये जो मेन चार्ज है ना, इसे चेंज किया है, ये टेस्ट चार्ज चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है इट इज नॉर्मली टेकन पॉजिटिव, उसे हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। अब आ जाए बच्चों आगे फील्ड लाइन्स के ऊपर, कि हमारे पास फील्ड लाइन्स क्या चीज है, कि हमारे पास जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे फील्ड लाइन्स बनेगी। फील्ड लाइन्स कैसी होगी, जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कन्वर्जिंग फील्ड लाइन्स होगी, मीन्स एक पॉइंट पे फोकस कर रही होगी। जब चीज देखें इसके पास आ रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बता रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है, इनवर्ड, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए क्या होगा, इट विल बी द आउटवर्ड, रेडिएटिंग आउटसाइड, आउटवर्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये हम कुछ फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कि हमारे पास कैसी कैसी फील्ड्स होती हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड इसमें क्या हो रहा है, जिसे हमने कहा था जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी फील्ड लाइन्स क्या होगी, रेडिएट आउटवर्ड, ठीक है बच्चों, हमारे पास बाहर की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या है, कह रहा है इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द अदर साइड इट्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये जो फील्ड लाइन्स बन रही है ना बच्चों, ये हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हमारी 10th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट है। हम दरमियान में मैग्नेटिक बार रखते होते हैं और मैग्नेटिक बार के इर्द गिर्द आयरन फिलिंग्स को स्पार्कल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर हम उसे हल्का हल्का से शेक करते हैं, तो जब हम उसे शेक करते हैं तो वहाँ पे खुद बहुत इस टाइप की फील्ड लाइन्स बनती है, ठीक। अच्छा यहाँ पे अब आप समझे क्या हो रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या कहा था नेगेटिव चार्ज में, एरोस की तरफ आपने अपनी तवज्जो रखनी है, कि देखिए एरोस इनवर्ड मूव कर रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, एरोस आर डाइवर्जिंग, राइट। अब यहाँ पे आ जाए, दीज आर दी चार्ज रॉड के दें, ये हमारे पास चार्ज रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनके दरमियान में क्या है बच्चों, फील्ड है। किसी फील्ड है, नेगेटिव की तरफ वो कन्वर्ज हो रही है और पॉजिटिव की तरफ से वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। थैंक यू। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, यू पीपल कैन आंसर।